A firm maintains its stores laser on the FIFO method during the month April 2020. The following receipts and the issues of material were made. आपको issues और receipt given है material की और आपको दो method से store laser maintain करना है. First is wastage of material is treated as factory overhead. Second is cost of goods unit is inflated by the cost of wastage. इन दोनों method से हमें stores laser prepare करना है. Fine. जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हमें एज अ फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करना है उसमें हम नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट नॉर्मल तरीके से चार्ज करेंगे. हम इन्फ्लेटेड से अकाउंटिंग करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी हुई आएगी. फाइन, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज अ स्टोर्स लेजर अकाउंट जिसमें हम फीफो मेथड से वेस्टेज को एज ए फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट कर रहे हैं. फाइन, अब फर्स्ट एंट्री हमें गिवन है 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस है 400 kg एट द रेट ऑफ 10 पर. तो 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस कितना गिवन है 400, क्वांटिटी रेट ये है और अमाउंट हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया. फाइन, नाउ नेक्स्ट है 3 अप्रैल को आपको रिसीव्ड लिखा हुआ है 500 यूनिट्स. 500 केजी आपने रिसीव किया है कितनी रेट से, 6 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 3000. फाइन, इसके अलावा अब 3 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं है तो अब हम इसको फाइनल बैलेंस की तरफ ले जाएंगे. बैलेंस हमारा ये चल रहा है और एडिशनल रिसिप्ट भी हो चुका है आपको 500. 400 था हमारा 10 रुपीज़ के हिसाब से और 500 है हमारा 6 रुपीज़ के हिसाब से. इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके इनको ऐड किया, आंसर आ रहा है 7000. नाउ एट 5 अप्रैल 2020 इशूड किया है आपने 500 kg. फाइन, अब 500 kg के लिए अब आपको क्या ध्यान रखना है. फर्स्ट तो फीफो मेथड ध्यान रखना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा आप उसको पहले भेजेंगे. तो 5 अप्रैल को आपने इशूड वाले कॉलम में कितना लिख दिया, तो देखिए पहले आपकी क्वांटिटी 400 है उसके बाद में 500 है, इन दोनों की रेट अलग अलग है, इसलिए फर्स्ट आपने 400 ले ली यूनिट्स, 400 किलोग्राम ले लिया 10 रुपीज़ के हिसाब से और 100 किलोग्राम ले लिया आपने 6 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि आपने टोटल इशू किया है 500 kg. फाइन, नाउ इन दोनों का अमाउंट इधर आ गया है प्लस करके. नेक्स्ट अब हमारा बैलेंस कितना बचा, तो ये 400 यूनिट्स तो जा चुकी है, इसमें से 100 यूनिट्स जा चुकी है, तो इसमें अब कितनी रिमेनिंग रही 400 यूनिट्स, किस रेट से, 6 रुपीज़ से, तो वैल्यू आ गई 2400. नेक्स्ट है 7 अप्रैल, इसमें हमने रिसीव किए हैं 400 kg एट द रेट ऑफ 8. तो 400 kg हमने रिसीव कर लिए एट द रेट ऑफ 8, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 3200. अब बैलेंस की तरफ आ जाइए, 400 पहले का चल रहा है, 400 फिर से आ गया, तो दोनों की अलग अलग रेट है, दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 5600. नेक्स्ट 15 अप्रैल को वेस्टेज बताया गया है. अब वेस्टेज के लिए हमने फर्स्ट मेथड यूज करना है, एज अ फैक्ट्री ओवरहेड हम ट्रीट कर रहे हैं. फाइन, 15 अप्रैल को वेस्टेज है, वेस्टेज डैट मीन्स उसको हमें लिखना है इशू वाले कॉलम में. फीफो मेथड यूज हो रहा है तो फीफो मेथड में ये देखिए 10 यूनिट्स हमारी वेस्ट हुई है, जो ये फर्स्ट 400 है उसमें से हुई है, तो अब इसमें कितनी बच गई, 390 बच गई, कितने रेट से है, 6 रुपीज़. इधर भी 10 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 60 का वेस्टेज हो गया. अब ये तो हो गया हमारा इसका, नेक्स्ट बचा हुआ है 400 को 8 से कर दिया, वैल्यू आ गई 5540. तो आपने ये एज अ फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कर लिया है, जो इसका रेट था उसके अकॉर्डिंग इसको इशू से करके लेस कर दिया. फाइन, नेक्स्ट है 20 अप्रैल को रिसीव किया है 500 kg किया है 10 रुपीज़ से, तो वैल्यू आ गई 5000. नाउ अब 390 पहले का है, 400 भी 8 रुपीज़ की रेट से है, 500 और आ चुका है आपके पास, इन सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 10540. नेक्स्ट है 25 अप्रैल को, अब आपने क्या किया, इशू किया है. फाइन, कितनी यूनिट्स की है,
850 यूनिट्स की है. फाइन, तो फीफो मेथड से करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले कौन सी यूनिट्स जाएंगी बाहर, ये 390 जाएगी. फाइन, अब उसके बाद में और यूनिट्स करनी है क्योंकि टोटल यूनिट्स है हमारी 850. तो अब हमने 400 ये वाली यूनिट्स 8 रुपीस के हिसाब से दे दी. तो अब ये कितनी हो गई, ये हो गई 790. उसके अलावा भी अभी आपको 60 यूनिट्स और भेजनी है. तो 60 यूनिट्स किस में से भेजेंगे आप, ये लास्ट वाली 500 यूनिट्स में से. तो 500 जो हमारी केजी है उसमें से आपने 60 यूनिट्स भेज दी है. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 रुपीस पर केजी. तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इधर आ रहा है 850 यूनिट्स और इनका टोटल आ रहा है 6140. फाइन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आपने इनको जो पहले आई उनको बाहर भेजते गए पहले. अब 500 में से 60 लेस हो चुकी है तो वैल्यू कितनी आ गई, 440 मल्टीप्लाई बाय 10, डेट इज 4400. ठीक है. नाउ अब आपके पास 26 अप्रैल को शॉर्टेज बताए गए 40 केजी का, तो वही शॉर्टेज आपको कैसे करना है, इशू वाले कॉलम में लिखना है. आपने 26 अप्रैल को 40 का शॉर्टेज लिख दिया. अब सेम रेट जो इसकी चल रही है वही आपको इधर लिखनी है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डेट इज 400. फाइन, अब 440 में से 40 यूनिट्स चली गई, रिमेनिंग कितनी बची, 400. किस रेट से, सेम रेट से, क्योंकि रेट्स को हमने चेंज नहीं किया है. वैल्यू आ गई 4000. नाउ 30 अप्रैल को आपने रिसीव की है 100 केजी एट द रेट ऑफ 12, तो ये वैल्यू आ गई 1200. नाउ 400 पहले की बची हुई है 10 रुपए के हिसाब से और 100 लास्ट में हुई है आपकी 12 के हिसाब से, तो ये इनका टोटल कितना आ गया, 5200. तो ये जो आपका प्रिपेयर हुआ है स्टोर्स लेजर वो किस पे हुआ है, बेस्ड फैक्ट्री ओवरहेड पे. नाउ दिस इज द स्टोर लेजर इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ मटेरियल बाय वेस्टेज. जो भी हमारा मटेरियल है वेस्टेज उसको हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे शो करेंगे. फर्स्ट एज इट इज आपको बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, जैसे पहले लिखा था लिख चुके हैं. नाउ 500 आपने रिसीव की, उसकी 6 रुपीज रेट गिवन है, यहाँ लिख दिया. तो बैलेंस में क्या आ गया, 400 तो पहले का आ गया, 500 अभी जो रिसीव किया उसका आ गया, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट है इशूड गिवन है, इशूड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो सबसे पहले ये 400 यूनिट्स बाहर जाएंगी. टोटल भेजनी है 500 तो बची 100, वो 100 हम इसमें से भेजेंगे, उसकी रेट आ गई 6, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई ये. अब 500 में से बच गई 400, ये 6, ये. अब देखिए नेक्स्ट है, हमने रिसीव किया है 7 अप्रैल को 400 केजी एट द रेट ऑफ 8, ये हो गए 3200. अब बैलेंस में क्या बच गया, 400 तो पहले का 6 की रेट से और 400 अभी जो रिसीव किया है 8 की रेट से, टोटल आ गया 5600. नेक्स्ट है 15 अप्रैल को आपको वेस्टेज बताया गया है. इस वेस्टेज को ही देखना है आपको कि 10 केजी का वेस्ट है, ठीक है, 10 केजी का वेस्ट है. अब इसमें सिर्फ आप यूनिट लिखते हैं, अमाउंट यहां पे कुछ भी नहीं आएगा. फाइन, ये वेस्टेज है, इसमें आप अमाउंट नहीं चार्ज करते हैं, सिर्फ आप यूनिट्स को लेस कर देंगे. 400 केजी हमारी पहले का बचा हुआ था, उसमें से आपने इस 10 को लेस कर दिया क्योंकि ये वेस्टेज है और हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें से लेस करना है. तो कितना बच गया, 390 बच गया. फाइन, और ये 400 किस रेट से आ गया, 8 की रेट से आ गया. फाइन, अब आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है कि ये 400 इंटू 6 किस रेट पे है, 2400 रुपए की रेट पे है. किस रेट पे है, टोटल अमाउंटिंग 2400. तो ये जो 2400 रुपए है वो किस पे चार्ज होंगे, 390 केजी पे चार्ज होंगे. तो वैल्यू क्या आ गई पर यूनिट, डेट इज 6.154. अब देखिए ये इन्फ्लेटिंग प्राइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले आपकी वैल्यू 6 रुपीस पर केजी थी, बट यहाँ पे वेस्टेज के बाद में आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 6.154.
बढ़ी हुई दर से प्राइस आ गई है, इसलिए हम इसको इन्फ्लेटिंग मेथड बोलते हैं। ऐसे ही आगे हम शॉर्टेज को भी इन्फ्लेटिंग प्राइस पे लेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है 500 रिसीव किया है हमने इनकी रेट से, डेट इज 5000। अब 390 तो इस रेट से चल रहा है, 408 की रेट से और 500 आपने 10 से, तो ये आ गया 5540। नेक्स्ट अब 25 अप्रैल को आपको 850 यूनिट्स क्या करनी थी, इशू करनी थी, तो वही सबसे पहले आप ये यूनिट लेंगे, फिर ये लेंगे, बची कितनी 60, वो इस रेट से लेंगे, तो ये सारी रेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6200। फाइन, अब ये जो 500 है उसमें से 60 यूनिट्स लेस हो गई, बची हुई 440 10 की रेट से, अमाउंटिंग हो गया 4400। यहाँ तक क्लियर है हमें। अब 26 अप्रैल को हमारे शॉर्टेज बताया गया है 40 किलोग्राम का, सिर्फ आपको इसमें क्वांटिटी लिखनी है, कितनी लिखी है आपने 40, वो क्या हो गया हमारा वेस्टेज अमाउंट में, आपको सिर्फ वेस्टेज लिखना है, कोई अमाउंट नहीं लिखना है। फाइन, अब यहाँ देखिए 440 यूनिट्स थी 10 की रेट से, वो हो गई हमारी 4400। अब 440 में से 40 यूनिट्स वेस्ट हो गई, तो कितनी बची 400 यूनिट्स बची, और अमाउंट कितना है हमारा 4400 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो कितना आ रहा है पर यूनिट, डेट इज 11 रुपीज। तो अब जो रिमेनिंग यूनिट है वो 11 रुपए की रेट से चार्ज होगी। देखिए यहाँ पे अब आपकी रेट्स बढ़ गई, इसलिए ये इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड है। मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 4400। अगेन 30 अप्रैल को आपने रिसीव किया है 12 की रेट से 1200, और बचा लास्ट में बैलेंस कितना है 400, तो 11 की रेट से है, और 100 यूनिट से 12 की रेट से, डेट इज 5600। आपके ये दोनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमने किया फैक्ट्री ओवरहेड मेथड से, सेकंड हमने किया है इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड से।